सबसे पहले एक प्लास्टिक का डब्बा लेंगे और फिर उसके ढक्कन को हटा देंगे और उसकी पन्नी को भी हटा दिया जाता है और फिर एक कटर से डब्बे को कुछ इस तरह काट लेंगे और फिर बहुत सारे पेपर को एक टेप से इस तरह जोड़ देंगे। फिर एक गुब्बारे को फूला के कागज के बॉक्स के अंदर डाल देंगे और उसके बाद उसे टेप से फिक्स किया जाता है और फिर एक ब्लाइगन से कागज को चिपका लिया जाता है और एक्स्ट्रा पार्ट को एक कैंची से हटा देंगे और उसके बाद एक कागज को कुछ इस तरह काट लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसे एक टेप से कुछ इस तरह चिपका दिया जाता है और फिर गुब्बारे के ऊपर टेप से चिपका देंगे। फिर एक ग्लू की मदद से पूरे बॉक्स पर न्यूज़पेपर को अच्छी तरह चिपका दिया जाता है और फिर पानी और ग्लू को व्हाइट सीमेंट में डालकर उसका गोल बना लेंगे और फिर पूरे कागज के बॉक्स पर व्हाइट सीमेंट के गोल को लगा देंगे और बीच में कुछ जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और फिर एक डंडी से डिजाइन को सही किया जाता है और उसे सुखा लेंगे। सूखने के बाद गुब्बारे को फोड़ दिया गया है और सारे कागज के टुकड़ों को बारी बारी से निकाल देंगे और फिर उस ढक्कन की किनोर को काट लेंगे और उसके अंदर छोटे छोटे होल किया जाता है और फिर उसे व्हाइट सीमेंट से बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद कटे हुए प्लास्टिक के डब्बे को उसके अंदर डालकर पिछले हिस्से पर व्हाइट सीमेंट का सपोर्ट बना लेंगे और फिर प्लास्टिक के डब्बे को बाहर निकाला जाता है और पूरे बॉक्स को एक रेजमाल से अच्छी तरह साफ कर दिया जाता है और फिर गुलदस्ते पर कलरिंग की जाती है। हम कलर करते हैं, तब तक जो भी बाबा रामदेव को मानता है वो कमेंट में जय बाबा री लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो फिर कलर करने के बाद फिर उसकी अच्छी तरह पॉलिश की जाती है और प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर कुछ चमकीले पत्थर को डाल देंगे और कूलर की मोटर लगा देंगे और फिर पानी को भर दिया जाता है, कुछ मछलियां डाल देंगे और उसके बाद उसके नीचे RGB लाइट को लगा देंगे। तो अंत में तैयार है आपके सामने एक गजब का फीस टैंक जिसे आप अपने घर में या बेडरूम में डेकोरेट कर सकते हैं जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है।